नमस्कार दोस्तों, बनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज 24 इंची का एक मॉनिटर का पैनल रिप्लेस करेंगे। तो पैनल रिप्लेस करने के लिए पूरा टीवी को ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए 24 इंची का है, LS मॉडल है। इसको पहले पावर देके आप लोगों को प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें नो डिस्प्ले का है, बैकलाइट ओके है, साउंड ओके है। तो इसमें आप ठीक से देख लीजिए, इसमें देखिए ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसमें पैनल रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब ये रिपेयरिंग हो जाता है लेकिन इसमें नया पैनल लगाना है। तो ये देखिए मैं नया पैनल लेके आया हूँ, ये नया पैनल पूरा रिप्लेस कर देंगे और पुराना पैनल निकाल देंगे बाहर। उससे क्या है कि टीवी एकदम, मतलब मॉनिटर एकदम ओके हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। ये सामने से ओपन करेंगे हम, इसमें कोई भी औजार नहीं लगता है, कोई भी स्क्रू ड्राइवर कुछ भी नहीं लगता है, हाथों से ही खुल जाता है। सामने से खाली लॉक रहता है, सामने से पूरा ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये सामने का जो साइड में पूरा लॉक लगा रहता है, उन लॉकों को धीरे धीरे चारों तरफ से, मतलब लॉकों से हटा लेना है। तो लॉकों को ओपन करने के बाद में ये पूरा ओपन हो जाएगा सामने से। देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ, ये पावर का जैक पहले हटा लेता हूँ। इसके बाद में इधर से थोड़ा सा बाकी रह गया है, ये इसको भी मैं पूरा एकदम खोल लेता हूँ। इसको खोल लेने के बाद में पूरा एकदम खुल गया। खुल जाने के बाद में इसका LVDS कनेक्टर अलग करेंगे, बैकलाइट कनेक्शन अलग करेंगे और इस जगह बीच में एक नट है, वो नट खोल लेंगे। पूरे टीवी में मतलब एक ही नट दिया हुआ है, खाली पैनल के सपोर्ट के लिए। नट के साथ में एक सपोर्टर दिया हुआ है, तो इसको अलग रख लेंगे और पुराने पैनल को बाहर निकालेंगे और राइट साइड में रख लेंगे। ये राइट साइड में ये पैनल है, पैनल को राइट साइड में पूरा रख देंगे। रख देने के बाद में ये नया पैनल में जो लेके आया हूँ, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसमें नया पैनल इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए पूरा पैकिंग, कंपनी से पूरा पैकिंग आता है इसमें, एकदम पैकिंग इतना अच्छा आता है कि एकदम मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आता है, एकदम ओके पैकिंग आता है इसमें। बारिश में भी कोई परेशानी नहीं है और कोई आपका कोई भी इशू नहीं आएगा, मतलब कोई टूटने वूटने का कोई चांस नहीं है। सामने जो पैनल कांच है उसके लिए सपोर्ट के लिए कोई भी स्क्रैच विस्क्रैच ना लगे, उसके सपोर्ट के लिए एक वाइट पेपर दिया होता है। तो जो पेपर दिया हुआ है उसको पहले हटाएंगे, दोनों साइड में टेप से चिपका हुआ होता है, ये टेप है जो लकड़ियों के, मतलब क्या बोलते हैं, प्लाईबोर्ड के उसमें काम आता है। ये देखिए राइट साइड में मेरा पुराना पैनल रखा हुआ है और ये नया वाला पैनल है, इसको सीधा लगा देंगे। ऊपर में LVDS देख के लगाना पड़ेगा, अगर उल्टा लगा देंगे तो फिर पिक्चर भी उल्टा आ जाएगा। ऊपर की तरफ में LVDS होगा टीवी के, ये पूरा जो सेटअप है वो ले आए हैं, मदरबोर्ड, पावर, SMPS। इसके बाद में नट को पहले लगा लेते हैं। नट को लगाने के बाद में LVDS कनेक्शन करेंगे और जो बैकलाइट कनेक्शन है वो कर देंगे। उसके बाद में चला के आप लोगों को दिखाएंगे कि टीवी बना है या नहीं बना है। ये नट टाइट हो गया है, पूरा फुल टाइट हो गया है, थोड़ा सा बाकी रह गया था। इसमें एक सपोर्टर दिया रहता है जिससे पैनल कहीं खिसका खिसकी नहीं हो, क्योंकि कांच का पैनल होता है ना। ये देखिए पैनल का मॉडल नंबर है, ये LVDS का ठीक से लगा लेंगे, केयरफुली से, बिल्कुल केयरफुली से लगाना पड़ता है, नहीं तो LVDS ख़राब होने का चांस रहता है। ये बहुत सावधानी से लगाइएगा, नहीं तो इसमें क्या है कि मतलब जो पिन होता है 30, ये पूरा LVDS को ठीक से कनेक्शन कर लेंगे।
एकदम ठीक से, ये बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, तो इसको ठीक से लगाने से पिक्चर भी ठीक से आ जाएगा। ये बैकलाइट का कनेक्शन है बाएं तरफ में, लेफ्ट साइड में, तो ये बैकलाइट का भी कनेक्शन हो गया है। इसके बाद में पावर दे के देखेंगे कि हमारा टीवी बन गया या नहीं बना है। 24 इंची का एलईडी मॉनिटर है ये। ये देखिए पावर दे दिए हैं, इसका रेड लाइट ग्लो हो गया है। ये देखिए ये भी लिखा आ गया है पूरे में। और इसके बाद में ये देखिए, ये सैमसंग का जो नो सिग्नल वाला लोगो आता है वो आ गया है। ये राइट साइड में मेरा पुराना है, ये डब्बा है, इस डब्बा में पुराने को रख देंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद में ये पूरा पिक्चर आप लोगों को दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। ये मतलब क्या बोलते हैं कि नए लोगों के लिए है, जो अभी अभी बिगनर लोग हैं, अभी अभी काम सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, यूजफुल वीडियो देखने के लिए। और ये मॉडल नंबर मैंने दिखाया है, इसका पैनल का जो मॉडल नंबर है, ये फिटिंग कर देते हैं। ये फिटिंग हो जाने के बाद में ऊपर एकदम कनेक्शन करके पिक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को। वीडियो में पूरा वॉच कीजिए, थोड़ा अगर आप लोगों को ये पता है तो पूरा वॉच करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो आप वॉच कीजिए, कुछ देखने को कुछ सीखने को मिलेगा। और इस जो भी मतलब मेरे पास में मतलब मैं काम करूँगा, सब वीडियो दूँगा आप, एक के बाद एक वीडियो मिलता रहेगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जैसे मैं मतलब वीडियो बना पाऊँ। और लाइक कीजिए, और कोई अगर मेरे लिए सुझाव है तो वो सुझाव ज़रूर छोड़िए। ये ऑडियो वीडियो का कनेक्शन हो गया, येलो में येलो, रेड में रेड, वाइट में वाइट, और इसको ऐसे ऊपर से लगा के लगा देंगे। ये सैमसंग का जो मतलब पीछे में वो सैमसंग का ओरिजिनल बैकेट नहीं लगा हुआ है, मार्केट वाला लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लगाने में। तो कस्टमर मतलब जिसका टीवी है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लगा दिए, इसके बाद में हम इसमें पावर लगाएंगे। पहले कनेक्शन सब कर लेंगे, उसके बाद में ये पावर लगा दिए हैं। और इसका पिक्चर दिखाएंगे आप लोगों को। ये पिक्चर देखिए, एकदम पिक्चर परफेक्ट आएगा। ये देखिए, ये पावर दे दिए हैं, अभी ऑन हो जाएगा। ये आ गया सैमसंग का नो सिग्नल वाला, लेकिन अभी पिक्चर नहीं आया, तो पीछे से देख लेते हैं ऊपर उठ के कि ठीक से टीवी लगा है नहीं लगा है। इसमें पिक्चर क्यों नहीं आ रहा है वो देखना है। सेटअप बॉक्स में भी देखिए लाइट आ रहा है। यही सब देखने के लिए आप लोगों को इसीलिए मैं वीडियो पूरा वॉच करने के लिए बोलता हूँ। इसमें देखिए, इसका एबी का जो कनेक्शन है ना वो खुला हुआ है, वो कस्टमर खोल के रखा है, तो इसको हम लगा देते हैं। देखिए ये भी लिखा हुआ आ गया, और एयरटेल कंपनी का ये सेटअप बॉक्स है, तो इसमें देखिए ये पूरा एकदम मतलब नो सिग्नल वाला वो आ गया है। तो इसका अभी मतलब जो छतरी के साथ में कनेक्शन कर देंगे तो पिक्चर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बार बार खुल जा रहा है, मतलब वायर थोड़ा टाइट हो गया है, तो इसको ठीक से एडजस्ट करके लगा देंगे। अभी इसको खोल के थोड़ा अंदर घुस गया है, तो उसको थोड़ा निकाल के बाहर ठीक से एडजस्ट करके लगाएंगे, तो तब हमारा काम एकदम बन जाएगा। अभी इसका जो नो सिग्नल का प्रॉब्लम है, इसको लगा देने से हो जाएगा। इसको थोड़ा खोल के एडजस्ट करेंगे, खोल के एडजस्ट करने से एकदम परफेक्ट काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखिए कनेक्शन हो गया है,
लेकिन उसमें अभी तक कुछ आया नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। अभी व्यू कार्ड नॉट सपोर्ट बोल रहा है, इसको कार्ड को हम पहले एक बार खोल के देखेंगे। ये देखिए व्यू कार्ड नॉट सपोर्टेड बोल रहा है, कोई भी चैनल नंबर लगा रहा हूँ, चैनल नंबर लग रहा है लेकिन कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा जो कार्ड है एयरटेल का या डिश टीवी का, आप जो भी यूज करते हैं उसको थोड़ा निकाल के वॉश कर, मतलब थोड़ा सा क्लीन करके लगाएंगे तो इसका पिक्चर आ जाएगा। ये देखिए ये इसका कार्ड साइड में, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है मशीन के, ये निकाल दिए हैं। इसको थोड़ा घिस लेंगे, मतलब थोड़ा सा मतलब किसी से कपड़े से या किसी से वॉश करके लगा देंगे तो पिक्चर आ जाएगा। ये देखिए टीवी कोड 1 आ रहा है, आप थोड़ा ये आ गया पिक्चर, एकदम पिक्चर परफेक्ट आ गया है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइए।